Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Redmi K20 Pro, जी हाँ, इस डिवाइस का काफ़ी सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. फाइनली ये डिवाइस 17 जुलाई को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा. लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को इस फ़ोन के 6 ऐसे रीजंस बता दूं जिससे आपको पता चले इस फ़ोन की क्यों इतनी हाइप क्रिएट होना शुरू हो गई है, और साथ ही साथ एक ऐसा रीजंस भी बताऊँगा जो इस फ़ोन की सबसे बड़ी कमी है या बोल सकते हो एक कॉन्स हैं. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 6 ऐसे रीजंस बताता हूं जिसके लिए आपको इस फोन का वेट करना चाहिए. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. सबसे पहले रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन का प्रोसेसर. इस फोन में आपको देखने को मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर. ये जो प्रोसेसर हैं वो 2019 का सबसे पावरफुल प्रोसेसर हैं. ये वही प्रोसेसर हैं जो OnePlus 7 Pro में यूज़ किया गया है, लेकिन इस फ़ोन की प्राइस 50,000 के आसपास हैं. लेकिन यहाँ पे Xiaomi ने आपको सेम प्रोसेसर 50% कम प्राइस पॉइंट पर ऑफर करने वाला है Redmi K20 Pro में. तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्यों इस फ़ोन की इतनी हाइप क्रिएट हुई है, और वो भी लॉन्च होने से पहले. सेकंड रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी, लुक एंड डिज़ाइन. अब ये फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी स्टर्निंग है. फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही साइड पे आपको ग्लास देखने को मिलेगा, और वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5. और सेंटर में जो फ्रेम दी गई है वो है एल्यूमिनियम की, जिसकी वजह से ये फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल रहने वाला है. ये फ़ोन आपको रेड, ब्लू और ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, और वो भी ग्रेडियंट कलर कॉम्बिनेशन में, जिसकी वजह से ये फ़ोन दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं. तो स्पेशली बिल्ड क्वालिटी, लुक और डिज़ाइन को लेके आपको इस फ़ोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी. थर्ड रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले. जी हाँ, काफ़ी लंबे टाइम से लोगों की डिमांड थी Xiaomi को अपने फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले ऑफ़र करनी चाहिए. तो फाइनली इस डिवाइस में Xiaomi ने एमोलेड डिस्प्ले ऑफ़र कर दी हैं, और वो भी फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, नो नॉच नो बेजल, जिसकी वजह से आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और भी एनहांस होने वाला है. इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी 6.39 इंच की डिस्प्ले फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ, और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में भी Xiaomi ने कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी है. फोर्थ रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन के कैमरास. जी हाँ, इस फोन के रियर साइड पे आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा. सबसे पहला जो प्राइमरी सेंसर होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, वो भी सोनी IMX586 सेंसर के साथ. सेकेंडरी जो लेंस होगा वो होगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस. इसके अलावा जो थर्ड सेंसर होगा वो होगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस. साथ ही साथ अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, तो Redmi K20 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और वो भी पॉपअप एलिवेटिंग मोटोराइज सेल्फी कैमरा. तो ऑन पेपर देखा जाए तो Redmi K20 के कैमरास काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं. फिफ्थ रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फ़ोन की बैटरी. ये डिवाइस में आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिलेगा. और साथ ही साथ क्विक चार्ज 4 प्लस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी कम टाइम में फ़ोन को फास्ट चार्ज कर पाएंगे. तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी आपको इस फ़ोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी. सिक्स रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फ़ोन की प्राइस. देखो, मैं यहां पर आपको एक्सपेक्टेड प्राइस का अंदाज़ा बता सकता हूं जो पर्सनली मुझे लगता है. तो इस फ़ोन की स्टार्टिंग प्राइस जो बेस वेरिएंट हैं 25,000 से लेकर 26,000 के बीच में रह सकती हैं, क्योंकि यहां पे मोबाइल इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है. तो मुझे नहीं लगता Xiaomi इस फ़ोन को ओवर प्राइस के साथ लॉन्च करेगा.
तो ये थे इस फोन के 6 ऐसे रीजंस जिसके लिए आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये 6 रीजंस में से आपको कौन सा रीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जिसकी वजह से आप ये फोन लेने की सोच रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे रीजंस की जो इस फोन की एक कमी है। तो जो चाइना वाला वेरिएंट है उसमें आप एट अ टाइम ड्यूअल सिम लगा सकते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। आई होप ये फोन इंडिया में जब लॉन्च होगा तो हमें मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए क्योंकि ये हमारी एक जरूरत है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।